चेन्नई के किले पर आज अटैक करेंगे लखनऊ के नवाब। सीएसके और एलएसजी के बीच आईपीएल का छठवां मैच आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में होगा। एक तरफ सीएसके की टीम है जो कि पिछला मैच हारी जरूर थी गुजरात से, लेकिन घर में बड़े मजबूत होते हैं, चेपॉक में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो वही दूसरी तरफ लखनऊ के नवाब है जिनके पास आईपीएल के बहुत अनुभवी गौतम गंभीर की मेंटरशिप तो है ही। इनके 2-3 प्लेयर्स पिछले मैच में खूब चले थे, ये पिछला मैच बड़े कंफर्टेबली दिल्ली को हरा कर आ रहे हैं, इनके पास बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो चलिए देख लेते हैं आज वीडियो में प्रिडिक्शन क्या रहेगी इस मैच की, कौन जीतने वाला है ये मैच ये भी बताएंगे, कौन सा खिलाड़ी चलेगा उसकी भी प्रिडिक्शन करेंगे, प्लेइंग 11 भी बताने वाले हैं, कंपैरिजन करेंगे दोनों ही टीमों का 7-8 अलग अलग पैमानों पर। तो एंड तक वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो भैया सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाइए। अच्छा एक चीज और बोल दूं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आईपीएल की पिन पिन बराबर की ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले कोई नहीं डालता, हम डाल देते हैं हमारे टेलीग्राम पेज पर। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए, करना कुछ नहीं है, जाओ ज्वाइन हो जाओ, परिवार का हिस्सा बन जाओ, बड़ा खुशी मिलती है, बड़ा सुखद अनुभव होता है जब आप हमसे जुड़ते हैं। तो फटाफट भैया आईपीएल का मजा लूट लो, टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। चले दोस्तों शुरुआत करते हैं प्लेइंग 11 की। सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से 2-3 अपडेट और न्यूज लखनऊ के हवाले से निकल कर आ रही है, फटाफट सुन लीजिए। पहली अपडेट दोस्तों निकल कर आ रही है क्विंटन डीकॉक को लेकर। क्विंटन डीकॉक आज भारत लैंड कर जाएंगे और वो आज लखनऊ सुपर जायंट्स के कैंप का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि वो आज का मैच नहीं खेल पाए। दरअसल दोस्तों कल साउथ अफ्रीका नेदरलैंड के बीच आखिरी ओडीआई मैच हुआ था जिसका हिस्सा क्विंटन डीकॉक थे, और जितने भी साउथ अफ्रीकी प्लेयर्स हैं वो आज भारत में लैंड करने वाले हैं इंक्लूडिंग डीकॉक, तो वो बहुत कम चांसेस है कि मैच का हिस्सा बनेंगे, लेकिन 100% वो आज कैंप का हिस्सा लखनऊ के जरूर बनने वाले। आज का मैच खेलेंगे वो या नहीं खेलेंगे एन मौके पर उनकी क्या खबर आएगी टेलीग्राम पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दूसरी अपडेट दोस्तों लखनऊ के हवाले से मोहसिन खान को लेकर निकल कर आ रही है, वो आज का मैच भी नहीं खेलने वाले। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं लखनऊ की प्लेइंग 11 कैसी। आप साइड में लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी प्लेइंग 11 देख पा रहे होंगे। केएल राहुल के साथ काइल मेयर्स ही ओपनिंग करेंगे। डीकॉक की अवेलेबिलिटी पर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। नंबर 3 पर दीपक हुडा, नंबर 4 पर निकोलस पुरन, नंबर 5 पर मार्कस स्टोइनिस उतरेंगे, नंबर 6 पर कृणाल पंड्या, नंबर 7 पर आयुष बडोनी उतरेंगे। तो वही अगर मैं लोअर ऑर्डर की बात करूं तो आवेश खान उतरेंगे नंबर 8 पर, 9वें स्थान पर आप देख पा रहे होंगे रवि बिश्नोई 10वें स्थान पर, उनटकर 11वें स्थान पर मार्क वुड उतरेंगे। इनकी टीम पिछला मैच एक तरफा जीती थी, बड़ी कंफर्टेबली जीती थी, इनकी प्लेइंग 11 में वो कॉन्फिडेंस दिखता है क्योंकि इनके 3-4 प्लेयर्स साइमल्टेनियसली एक साथ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये पिछले मैच की प्लेइंग 11 में किसी भी तरह के बदलाव करने का सोचेंगे। ऊपर से इनको बहुत स्टेबिलिटी काइल मेयर्स के फॉर्म में आने से मिल गई है। हां चेन्नई की पिच पे इनको एक एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत पड़ेगी जो इनके पास अभी की प्लेइंग 11 में नहीं दिख रहा है, एंड आई थिंक कि शायद उनके पास स्क्वाड में भी उस तरह का स्पिनर नहीं है, तो वहां पर लखनऊ की टीम थोड़ा सा पीछे चली जाएगी, स्पेशली सीएसके की माफ कीजिए चेन्नई के इस होम मैदान पर। लेकिन ये प्लेइंग 11 में आप बताइए 10 में से कितनी रेटिंग आप देने वाले हैं, आपको क्या दिक्कत दिखती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो सीएसके के हवाले से भी 2-3 न्यूज और अपडेट निकल कर आई है। पहली खबर यह है कि आज का मैच भी एम पातिराना और महेश दीक्षणा नहीं खेलने वाले, ये दोनों लंकाई प्लेयर्स हैं, ये अभी तक अवेलेबल नहीं हो सके हैं। साउथ अफ्रीकी प्लेयर्स तो आज लैंड कर जाएंगे, लेकिन लंकाई प्लेयर्स 8-9 तारीख में लैंड करेंगे, तो अभी भी सीएसके के लिए जो दीक्षणा की जरूरत थी वो जरूरत ही रह जाएगी इस मैच में भी, बिकॉज ये नहीं आने वाले। एक अच्छी खबर सीएसके के लिए, मगाला जो कि रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे जेमिसन की, वो आज लैंड कर जाएंगे और वो सीएसके के कैंप का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन जिस तरह से डीकॉक नहीं खेल पाएंगे चांसेस यही है कि मगाला भी नहीं खेल पाएंगे। अब प्लेइंग 11 देखते हैं, साइड में चल रही होगी दोस्तों, तो कॉनवे के साथ गायकवाड़ की ओपनिंग होगी। नंबर 3 पर अली, नंबर 4 पर स्टोक्स, नंबर 5 पर राइडू उतरेंगे, नंबर 6 पर धोनी, नंबर 7 पर जड्डू उतरेंगे, तो वही 8वें नंबर पर दुबे उतरेंगे, 9वें स्थान पर सेंट्रर है, 10वें स्थान पर चेहर है, 11वें स्थान पर हंगरगेकर है। यार देखो प्लेइंग 11 में कोई दिक्कत नहीं थी, पहले मैच में भी बड़ा कांटे का मैच था, मुझे नहीं लगता कि सीएसके जिस स्थिति में है इस समय ये अपनी प्लेइंग 11 में पिछला मैच हारने के बावजूद भी कुछ बदलाव करें, क्योंकि इन्हें 3 स्पिनर्स की जरूरत है इस पिच पर चेपॉक के स्टेडियम में। इनके पास है, इनके पास मोइन अली, इनके पास रविंद्र जडेजा है, इनके पास सेंटनर है, तो 3 प्रॉपर स्पिनिंग ऑप्शंस इनके पास उपलब्ध है, एंड मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा इनको किसी चीज की अभी जरूरत पड़ेगी। तो कोई बदलाव चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपनी प्लेइंग 11 में कम से कम इस मैच में तो लखनऊ के खिलाफ नहीं करने वाली है, साथ ही इनके कुछ स्पिनर्स का रिकॉर्ड लखनऊ के बल्लेबाजों के सामने अच्छा भी है, ये फायदा भी इनको इस पिच पर मिलेगा। तो ये थी भैया चेन्नई की प्लेइंग 11, ये थी लखनऊ की प्लेइंग 11। अब
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंपैरिजन की। सबसे पहले दोस्तों करते हैं कैप्टेंस वर्सेस कैप्टेंस का कंपैरिजन। एक तरफ होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, दूसरी तरफ होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल। यार देखो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि धोनी आईपीएल इतिहास के वन ऑफ द टॉप, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टेंस में से एक है। इनको कोई रेटिंग देने की जरूरत नहीं है, इनको 10 में से 10 हम देंगे। इनके रिकॉर्ड्स आंकड़े सब देख पा रहे होंगे, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान पूरी दुनिया में अगर कोई है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वो धोनी है। तो दूसरी तरफ केएल राहुल होंगे, जिनको हमने 8.5 नंबर दिए हैं 10 में से, क्योंकि केएल राहुल अभी स्थापित कप्तान के रूप में दिखे नहीं है। पहले मैच में कप्तानी अच्छी की थी, हालांकि इनके साथ गौतम गंभीर की मेंटरशिप भी है जो कि बाहर से इनको मेंटर करती है, वो बहुत बड़ा बैक होती है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। ऑल दो 8.5 नंबर मेरे हिसाब से बहुत ही फेयर नंबर है केएल राहुल के लिए। आप कितने नंबर, कितने रेटिंग दोगे इनको कमेंट बॉक्स में बताओ। तो मेरे हिसाब से कैप्टन्स वर्सेस कैप्टन्स में धोनी थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हेड टू हेड आंकड़े देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े रहते हैं और आईपीएल का एक इतिहास और राइवलरी ये बताते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स और सीएसके के बीच अभी तक सिर्फ एक आईपीएल मैच हुआ है जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नहीं जीती थी, लखनऊ जीती थी। लेकिन दोस्तों मैं इस हेड टू हेड आंकड़ों के आधार पर किसी तरह की कोई रेटिंग नहीं देना चाहता, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि सिर्फ सिंगल मैच हुआ है। लखनऊ पिछले साल ही बनी थी, पिछले साल सिर्फ एक मैच हुआ था, एंड एक मैच के आधार पर आप रेटिंग रैंकिंग नहीं दे सकते, वो बहुत अनफेयर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर मैच के लिए हमने हेड टू हेड में किसी तरह की कोई रेटिंग। चलिए दोस्तों पिच कंपैरिजन देख लेते हैं, इस पिच के आधार पर कौन सी टीम कितनी तगड़ी है, किसको कितनी रेटिंग मिलती है। तो अगर मैं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करूं तो सीएसके को मैंने 9 नंबर दिए हैं 10 में से और लखनऊ को मैंने 7 नंबर दिए हैं 10 में से। इसका कारण सुन लीजिए, दरअसल दोस्तों ये जो पिच रहने वाली है स्पेशली चेन्नई की, यहां पर बहुत स्पिन होगी और शुरुआती मैचों में ही आप देखेंगे कि शुरुआती 5 ओवर जब गुजर जाएंगे बहुत ज्यादा स्पिन होने लगेगी। ऐसी स्थिति में चेन्नई के पास 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर रहेंगे और इनके पास वो बल्लेबाजी है जो कि स्पिन को अच्छा खेलती है गायकवाड़ के ऊपर होने से। दूसरी तरफ लखनऊ के पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की कमी है, इनके पास सिर्फ 2 स्पेशलिस्ट है। ऐसी स्थिति में लखनऊ इस मैच में थोड़ी सी पीछे रहेगी, दैट इज वाई इस पिच के आधार पर मैंने लखनऊ को 7 नंबर दिए 10 में से और चेन्नई को दिए हैं 9 नंबर। मेरे हिसाब से बहुत फेयर है, आपके हिसाब से कितने रहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों अब करते हैं अपर ऑर्डर कंपैरिजन। सबसे पहले सीएसके के अपर ऑर्डर की बात करूं तो कौनवे गायकवाड़ और मोइन अली सीएसके के अपर ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे। तो वही लखनऊ सुपर जायंट्स के अपर ऑर्डर में केएल राहुल, काइल मेयर्स और दीपक हुडा उतरने वाले। अगर मैं चेन्नई सुपर किंग्स के अपर ऑर्डर की बात करूं तो यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ का अच्छा फॉर्म इनको बहुत उम्मीद देगा। पिछले मैच में गायकवाड़ खूब चले थे एंड अगर गायकवाड़ का ये फॉर्म कंटिन्यू करता है, क्योंकि गायकवाड़ की एक खूबी है बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, तो लखनऊ को डरने की जरूरत है। 50+ का स्कोर इनका कहीं नहीं गया। कॉनवे की अगर मैं बात करूं सीएसके के अपर ऑर्डर में तो वहां थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है सीएसके को। इसका रीजन यह है कि कॉनवे अभी तक हैवी स्पिन के आगे टेस्ट नहीं हुए, जो कि हो सकता है इस मैच में हो जाए। लेकिन एक अच्छी खबर सीएसके के अपर ऑर्डर में मोइन अली लेकर आ रहे हैं। दोस्तों मोइन अली जो कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी है, चेपॉक की पिच पर अगर नंबर 3 पर बल्लेबाजी विकल्प देते हैं, इससे पता लगता है कि इनके पास डेप्थ बहुत ज्यादा है नीचे, विच इज अ गुड न्यूज फॉर सीएसके अपर ऑर्डर। दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के अपर ऑर्डर की बात करूं तो केएल राहुल का खराब फॉर्म इनको फिर परेशान कर रहा है, हमने पहले मैच में भी देखा। अच्छी खबर सिर्फ काइल मेयर्स ही लेकर आ रहे हैं, क्योंकि काइल मेयर्स से उम्मीद नहीं थी, खूब चले और दिल्ली को एक तरफा परास्त किया, विच इज अ गुड साइन फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन दीपक हुड्डा मेरे हिसाब से नंबर 3 पर नहीं उतरने चाहिए, इन्होंने पिछले मैच में उतारा था, शायद इस मैच में भी उतारे। मेरे हिसाब से एक स्पेशलिस्ट गेंदबाजी विकल्प नहीं है हुडा, क्योंकि हुडा के आंकड़े उस चीज को जस्टिफाई नहीं करते। तो ये थे भैया दोनों ही टीमों के अपर ऑर्डर। मेरे हिसाब से मैं सीएसके के अपर ऑर्डर को 10 में से 8.5 नंबर दूंगा। नंबर इसलिए काटे हैं क्योंकि कॉनवे की टेस्टिंग बाकी है। तो वही एलएसजी के अपर ऑर्डर को 8 नंबर दूंगा 10 में से, उसका रीजन है काइल मेयर्स का फॉर्म में आना, इनको थोड़े से अंक ज्यादा दिला रहा है। केएल राहुल अगर चल जाए तो 9 नंबर मिल जाएंगे। तो ये थे भैया अपर ऑर्डर का कंपैरिजन, चेन्नई थोड़ी सी आगे है। अब बात करते हैं दोस्तों मिडिल ऑर्डर के कंपैरिजन की। चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर में उतरेंगे बेन स्टोक, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा। तो वही दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के मिडिल ऑर्डर में उतरेंगे निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पंड्या और आयुष बडोनी। जाहिर है दोस्तों दोनों के पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिडिल ऑर्डर में है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों अगर मैं चेन्नई सुपर किंग्स की यहां टीम की बात करूं तो एक
एक थोड़ी सी कमजोर कड़ी अंबाती रायडू ही है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का भी हमें फॉर्म दिखा है। बेन स्टोक कभी भी फॉर्म में आ सकते, कभी भी जा सकते, उनका कुछ बोल नहीं सकते, तो वो वेस्टइंडीज प्लेयर के टाइप के कुछ खिलाड़ी हैं, उनका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन रविंद्र जडेजा यहाँ बहुत अच्छी खुशखबरी है सीएसके के लिए, क्योंकि चेपॉक की पिच पर ये बहुत ज्यादा काबिल, बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे एज ए स्पिनर। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो निकोलस पूरन का फॉर्म दिखा था, हालांकि उन्हें बहुत नीचे उतार दिया था, एज ए फिनिशर का रोल उन्होंने निभाया था। मार्कस स्टोइनिस भी ठीक फॉर्म में दिखे थे, लेकिन उस तरह से कन्वर्ट नहीं कर सके। क्रुणाल पंड्या से स्पिन बॉलिंग में उम्मीद होगी, लेकिन फिर वही बात है ना कि वो आंकड़ों में हमें दिखा नहीं है, क्रुणाल पंड्या के वो गेंदबाजी आंकड़ों में। तो वही आयुष बदोनी होंगे, जिनके बारे में अभी तक कुछ समझ नहीं आता कि ये उनको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, क्योंकि रोल क्या है आयुष बदोनी का वो अब तक टीम में समझ नहीं आया। क्या सिर्फ फिनिशर का रोल है या फिर वो गेंदबाजी जो कि उतनी सक्सेसफुल उनकी नहीं रही है वो भी रहेंगे। तो इनका थोड़ी सी मिडिल मडल की स्थिति लखनऊ की दिख रही है, सीधी बात यही है। 9 नंबर दिए दोस्तों मैंने चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर को 10 में से। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के मिडिल ऑर्डर को मैंने 7.5 नंबर दिए हैं 10 में से। 9 नंबर देने का कारण सिर्फ यही है कि रायडू का हल्का सा फॉर्म खराब है, धोनी बहुत अच्छे फॉर्म में है, इसलिए चेन्नई बड़ी तगड़ी हो जाती है। रायडू भी चल जाते तो 10 नंबर मिल जाते हैं। लखनऊ को 7.5 नंबर कम नंबर काटे, इसलिए मैंने ज्यादा इनके नंबर, क्योंकि भैया इनके प्लेयर्स बहुत मिडिल मडल की स्थिति में, पता नहीं है कि किसका क्या रोल रहेगा, रोल डिफाइन करना पड़ेगा लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं लोअर ऑर्डर की, गेंदबाजों की, किसके पास कितने तगड़े हैं पिच के हिसाब से वो देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं सीएसके के लोअर ऑर्डर की, तो शिवम दुबे, मिचेल सेंटनर, दीपक चहर और आर हंगरगेकर उतरेंगे। तो वही लखनऊ सुपर जायंट्स के लोअर ऑर्डर में आवेश खान, रवि बिश्नोई, जयदेव उनटकट और मार्क वुड उतरने वाले हैं। दोस्तों दोनों के पास तगड़ा लोअर ऑर्डर है, लेकिन चेपॉक की पिच पर स्पिनर्स थोड़े से ज्यादा इफेक्टिव होंगे मेरे हिसाब से। दोस्तों सेंटनर एक अच्छी खबर है चेन्नई सुपर किंग्स के लोअर ऑर्डर में, शिवम दुबे को फॉर्म में आना पड़ेगा, दिक्कत कर देंगे, दीपक चहर को कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, दिक्कत हो जाएगी। हंगरगेकर अच्छे फॉर्म में दिखे थे, तीक्ष्णा की कमी दिख रही है साफ तौर पर, हालांकि इनका लोअर ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर दिखेगा आपको चेन्नई का, क्योंकि चेन्नई स्पेशलिस्ट गेंदबाजों को खिलाने से बेहतर ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस करती है। अगर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लोअर ऑर्डर की बात करूं तो ये थोड़े से मजबूत है, क्योंकि आवेश खान का हमें फॉर्म देखा, मार्क वुड का हमें फॉर्म देखा और रवि बिश्नोई स्पेशली इस पिच पर चेपॉक की बड़े बड़े काबिल, बड़े इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं लखनऊ को 10 में से 8.5 नंबर दूंगा, क्योंकि इनके पास बिश्नोई है और मार्क वुड अच्छे फॉर्म में है। तो वही दूसरी तरफ चेन्नई को मैं 8 नंबर दूंगा 10 में से, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की कमी दिख रही है तीक्ष्णा जैसे, और एक इनफॉर्म तेज गेंदबाज की भी कमी दिख रही है, हालांकि वो चेपॉक में शायद उतने इफेक्टिव ना हो, लेकिन कमी दिख रही है। तो मैंने 8 नंबर, बाकी आप बताना आप कितने नंबर दोगे। तो ये थे भैया लोअर ऑर्डर में इनके नंबर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कि किसको कितने नंबर मिले, क्योंकि टोटल जब हमने लगाया तो 50 नंबर में से चेन्नई सुपर किंग्स का जो हमारा स्टूडेंट था ना, वो 44.5 नंबर लेकर आया है, 44.5 नंबर की रेटिंग लेकर आया है। तो भाई लखनऊ सुपर जायंट्स वालों ने 50 में से 39.5 की रेटिंग लेकर आए हैं। तो कुल मिलाकर सीएसके की टीम के पास 4-5 एक्स्ट्रा रेटिंग पॉइंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये रेटिंग पॉइंट इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास हल्की सी एज, थोड़ी सी एज इस मैच में रहेगी। मेरे हिसाब से सारे आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो स्पिन पिचेस बना रहे हैं धोनी और जो किला बना रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा, और इस किले पर चेन्नई जीतेगी एंड सीएसके इस मैच को जीत सकती है मेरे मुताबिक। लेकिन भैया 3-4 प्रिडिक्शंस और कर लेते हैं, प्रिडिक्शन तो हमने इस मैच की कर ली, अब आगे बढ़ते हैं कुछ खिलाड़ियों पर 3 प्रिडिक्शन करूंगा, मैच के बाद देखते हैं कितनी सही होती। तो चलिए दोस्तों पहली प्रिडिक्शन हम करेंगे स्पिनर्स को लेकर। मेरे हिसाब से स्पिनर्स इस पिच पर रूल करने वाले हैं, जडेजा, सेंटनर और अली, इन तीनों में से दो कोई भी मिलकर 4 से ज्यादा विकेट सीएसके को निकाल कर देंगे। सीधी बात है ये तीनों चल सकते हैं और ये तीनों मतलब कुछ कर दे सकते हैं, फैंटेसी टीम बनाओ तो इनका ध्यान रखना। दूसरी प्रिडिक्शन दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ और केएल राहुल को लेकर है। मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ या केएल राहुल या इन दोनों में से कोई भी एक 50 प्लस का स्कोर बना सकता है, या फिर ये दोनों मिलकर 50 प्लस के आंकड़ों को क्रॉस कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा अगर मैं ये बोलूं कि गायकवाड़ 50 प्लस रन बना देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मिलकर 50 प्लस का आंकड़ा छू सकते हैं। केएल राहुल स्पेशली, क्योंकि केएल राहुल फॉर्म में नहीं दिखे हैं और शायद वो एक उम्मीद चेपॉक की पिच में उनको
दिख रही होगी। तीसरी प्रिडिक्शन रवि बिश्नोई के हवाले से दोस्तों हम करते हैं, रवि बिश्नोई 2 या उससे ज्यादा विकेट इस मैच में निकाल सकते हैं क्योंकि उन्हें ये पिच बड़ी भाने वाली है। तो ये 3 प्रिडिक्शन थी, 4th प्रिडिक्शन आपने देख ही ली है, सीएसके की टीम जीतने वाली है इस मैच को, वो कर ही दी है। अब देखते हैं दोस्तों कि होता क्या है इस मैच में, आपके हिसाब से कौन मैच जीतने वाला है कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, फिर बोल रहा हूँ सारी अपडेट सबसे पहले मिलती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी परिवार का हिस्सा बन जाइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चेन्नई के फैन हो, लखनऊ के फैन हो, किसी के भी फैन हो, लाइक और शेयर जरूर हो जाना चाहिए, कर दीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए।